हाँ जी, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। कल मैं कोई फुटेज नहीं बना पाई और कोई कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया जब मैं वापस आ गई थी, तो मुझे था कि चलें आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शॉपिंग सारी अपनी शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा। पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने राबी सेंटर से लिया था। असल में मैं राबी सेंटर गई थी, आप लोगों को मैंने बताया था मैंने प्लची का जोड़ा लेना था, तो प्लची के जोड़े के साथ साथ मैंने एक और जोड़ा भी खरीदा है, वो बस ऐसे ही रैंडमली मैंने उठा लिया। दैट वाज, पहले वो दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। असल में मैं रेप्लिकाज नहीं लेती, मैं मोस्टली ब्रांड से लेती हूँ, क्योंकि हमें ये होता है ना कि ब्रांड से ले लो तो आपको सस्ता पड़ जाता है, मुझे फील होता है, क्योंकि जब उनकी सेल्स लगती है ना तो आपको सस्ते पड़ जाते हैं। बहुत सी ऐसी ब्रांड, ज़रूरी नहीं है आप सना सफीनाज ही जाएँ, या ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो गुल अहमद के ही सारे लें, तो आप मेडियोकर ब्रांड्स भी ले सकते हैं। जैसे लाइमलाइट है, जो ये जोड़ा है मैंने लाइमलाइट का पहना है, लास्ट ईयर मैंने लिया था। एंड सीरियसली, इसकी इतनी मज़े की वुलन शॉल है, ये आप देख सकते हैं, और उसका प्रिंट देखिए कितना हसीन है। तो वो ये वाले जोड़े बड़े आराम से 2,500 इस तरह के मिल जाते हैं आपको। तो फर्स्ट टाइम मैंने शायद बहुत पहले कराची में एक दफ़ा रेप्लिकास लिया थे, उसके बाद से मैंने कभी रेप्लिका नहीं लिया है। तो मुझे जब नज़र आया है वहाँ पर, सो आई वॉज लाइक कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सफायर का रेप्लिका है, मुझे नहीं पता, मैंने इसको चेक भी किया था तो मुझे कहीं नेट पे ही नहीं नज़र आया। आई थिंक उनकी गर्मियों के जोड़ों का जो है ये रेप्लिका है, और उसको उन्होंने ये विंटर्स की कलेक्शन में बना दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये शर्ट कैसी है। ये देखिए, दिस इज द ड्रेस, बहुत प्यारा, इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी है, इट्स अ ह्यूज वन, लाइक मैं इस सिलवाऊंगी भी इंशाल्लाह, मेरा है कि मैंने पूरा सिलवाना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा गला है, जो ये इतना यहाँ से यहाँ तक गला है, और उसके बाद ये कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट का है, नेवी ब्लू है। ये इसकी बैक्स, ये इसके स्लीव्स हैं, आई थिंक ये स्लीव्स ना पता नहीं क्या है, बट मैं सिलवा लूंगी तो आप लोग को नजर आ जाएगा। आई थिंक ये स्लीव्स, आई डोंट नो क्या है, मेरे ख्याल में ये कलियां हैं, और स्लीव्स इसके, हाँ जी ये बैक है, और ये स्लीव्स है, हाँ जी ये सादे स्लीव्स हैं इसके, ठीक है। तो ये सादे जो है इसके स्लीव्स हैं, ये इसकी बैक है, ठीक है, और वो एम्ब्रॉयडरी वाला इसका फ्रंट है। तो ये जो है ये था, और साथ में इसकी वुलन शॉल है, ये देख लें, इस पे ये वुलन वुलन शॉल है, ठीक है। ये प्यारा प्रिंट बना हुआ है, ब्लू एंड इसका मिक्सचर बना हुआ है, कोई दाग लगा हुआ है, पता नहीं इसका किस चीज़ का दाग है, मुझे थोड़ा सा धोना पड़ेगा। तो ये है, और इसके साथ ये वाइट कलर की जो है वो ट्राउजर है, ऑफ वाइट सी है, और इट्स नॉट बैड। तो ये मैंने लिया है, इट वॉज लाइक अराउंड 2,000 रुपीज, विच इज नॉट बैड, कि आपको थ्री पीस सूट मिल रहा है। और मैं ना जरा आपको इसका दिखा दूँ, जो इसका पेज है, दिस इज फ्रॉम सफायर, ये है ड्रेस, ठीक है। और मुझे अंदाजा किस बात से हो रहा है, ये शिफॉन का दुपट्टा है, ठीक है ना, तो ये इन्होंने वुलन कर दिया। तो ये इट इज अ रेप्लिका, ये ओरिजिनल नहीं है। ये एक अदद मैंने लिया है, और मैं अभी ही इसको सोच रही हूँ कि मैं इसको श्रिंक कर लूँ, ताकि मैंने जो है ना अभी इतने कपड़े सिलवाने, आगे विंटर्स शदीद वाली आ जाएंगी, जनवरी आ जाएगा, और मेरे कपड़े नहीं बने हुए। खैर एनीवेज, एक मैंने ये लिया, अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ जो कि मैंने लिया है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। हाँ जी, जो मेरी बेटी बोल रही थी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जी मैंने वो लिया है, और ये खोल के आप लोगों ने देख लिया था, मैं इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, सिलवा के इंशाल्लाह चल दिखाऊंगी। इसका साथ जो है वो मैंने इसकी शमीज भी ले ली थी, तो ये जो है प्रिंट है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा है, शमीज भी मैं ले चुकी हूँ, और ये इसकी शमीज है जो इसके साथ मैंने मैचिंग की है, और ये इसकी ट्राउजर है। तो ये इंशाल्लाह ताला, इतना डिटेल में मैं इधर कैसे दिखाऊं आप लोगों को, आप लोगों को आई होप नजर आ रहा होगा। तो ये ड्रेस है, बहुत प्यारा है, इंशाल्लाह ताला मैं इसको सिलवा के तो फिर आपको दिखाऊंगी, कि एक्चुअली विंटर के कपड़ों में ना आप कितना लेसे शेसे लगाने का दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है आपने जो है वो ऊपर शॉल ओढ़ लेनी है या इस तरह की कोई चीज़ कर लेनी है, तो मोस्टली मैं विंटर के कपड़ों में लेसे नहीं लगाती। ये मैं सना सफीना के कपड़े देख रही थी, जिसमें उन्होंने इतने दो जहानों पता नहीं क्या क्या फसल, पता नहीं क्या क्या, एक ऐसी वो जो खूबसूरत बनाने के लिए कपड़ों को करते हैं, इतनी ज्यादा चीजों की, ये इधर आस्तीनों पे जो है ना वो ठसल लगाने की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि आपने खाना खाना होता है वो उसके अंदर जा रहे होते, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता फ्रेंकली स्पीकिंग इस तरह की डिजाइन करना। तो वो अभी मैं देखूंगी इसके साथ, अगर कोई चीज लेसेस या बटन या कोई चीज मुझे मिली तो इंशाल्लाह ताला आई विल मेक लाइक वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत प्यारा सा मैंने बनाना है और बहुत जल्द बनाना है।
तो ये दो जोड़े मैं लेकर आई थी राबी सेंटर से। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉम चाइना मार्केट। चाइना मार्केट ये है कि चाइना मार्केट जो है वो गढ़ है डेकोरेशन पीसेस का, वहां पर कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं फिरी, मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वहां जाके एक्सप्लोर करूं तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि मैंने वहां से कभी फैंसी कपड़े नहीं लिए। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, मेरे देवर की शादी थी और वहां से मैंने एक लिए थे कपड़े, सीरियसली वो व्हाइट कलर के थे, पुलेस थी पूरी और फुल ऑफ लाइक यू कैन सी कि उसपे इतने बहुत सारे डायमंडीज, इतने बहुत सारे व्हाइट कलर के पर्ल्स थे। प्योर व्हाइट शर्ट थी और फुल ऑफ व्हाइट एम्ब्रॉयडरी थी और फुल ऑफ यू कैन सी कि उसके ऊपर मोती और पता नहीं क्या क्या लगा था, वो बहुत खूबसूरत था। वो मैंने उस वक्त लाइक मेरे देवर की शादी थी, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत पुरानी बात है, मेरी बेटी मंगनी थी या शादी थी, एंड माई डॉटर वॉज नॉट बॉर्न दैट टाइम, और सिर्फ मेरा बड़ा बेटा था। और उस वक्त गोल्ड की प्राइस थी कुछ 6,000 रुपये, वो जोड़ा मैंने 2,000 का लिया था अनस्टिच्ड, वो बहुत प्यारा था। लेकिन अभी वो इतने अरसे में मैंने पता नहीं किसको दे दिया, लेकिन मुझे याद नहीं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत जोड़ा था। उसकी तस्वीर मैं इधर लगा दूंगी, मेरे सिर्फ एक हाथ की तस्वीर होगी क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ, तो वो मैं अपनी फेसबुक की ना वो लगाती थी, कवर लगाती थी, तो उसका तो वो थोड़ा अंदाजा आप लोगों को हो जाएगा कि वो किस तरह की शर्ट थी। तो वो मैं इधर अगर हुआ तो मैं इधर तस्वीर लगा दूंगी। खैर एनीवेज, तो चाइना मार्केट में सिर्फ कपड़े नहीं मिलते, डेकोरेशन पीसेस भी मिलते हैं, चप्पल भी मिलते हैं, ब्लैंकेट्स भी मिलते हैं, कंफर्टर्स भी मिलते हैं। मैंने बहुत प्यारे ऑटोमन्स देखे हैं, मेरा दिल उस पर बहुत ज्यादा आया हुआ है। मे बी मे बी मे बी मे बी मे बी मैं जाके वो लेकर आऊँ, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत ज्यादा सीरियसली एंड बहुत रीजनेबल भी थे। मैं जब लूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा ये मैंने ले लिया, उसके बाद चाइना मार्केट, सॉरी एक चीज गिर गई वो मैं उठा के दिखाऊंगी। चाइना मार्केट से मैंने क्या लिया, चाइना मार्केट से सबसे पहले चीज ली ना, मुझे चाहिए था एक टेबल रनर। पहले भी मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए जो टेबल रनर लाई थी वो मैं चाइना मार्केट से ही लेकर आई थी, और ये इस दफा मैं लेकर आई हूँ, ये मैं अपने लाउंज के लिए लाई हूँ। जिस तरह से डेकोर करूंगी वो तस्वीर भी आप लोगों को वीडियो साथ में इधर लगा दूंगी, या एंड वीडियो आप जरूर देखिएगा कि मैंने किस तरह डेकोर किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने रनर लिया है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। एंड जब भी आप डेकोरेशन करते हैं ना, तो एक चीज को बेस बनाया करें और उसके अकॉर्डिंगली पूरे लाउंज को या ड्राइंग रूम को या बेडरूम को चेंज किया करें उस कलर स्कीमिंग के थ्रू। तो ये इतने प्यारे थे, आई वॉज लाइक कि मैं इस कलर स्कीम को अपने पूरे लाउंज में जाऊँ, क्योंकि मेरा लाउंज जो है वो फॉन एंड कैरमल कलर का है, तो इस कलर की कुशन और ये सारी चीजें जिधर से जब मुझे मिलती जाएंगी आई विल बाय एंड आई विल डेकोरेट माई हाउस। तो ये आप देख सकते हैं कितना ये प्यारा रनर है, और एंड में इसके जो है ना ये टसल लटक रहे, और इसकी प्राइस वो मुझे बता रहा था बंदा 1,500 रुपये, लेकिन मैंने 1,000 रुपये का लिया। बस चाइना मार्केट में आपने काम करना कि वहां पर आपने बार्गेनिंग जरूर करनी, क्योंकि चाइना मार्केट से मैंने जो चीजें ली हैं वो है, एक तो याद होगा आप लोगों को मैंने अपने लिए पूरा जो है किचन के देचकियों का सेट लिया था, जो कि बोल वो 20,000 रहा था और 13,000 पे मैंने लिया था। फिर मैंने, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मेरे ड्राइंग रूम के जो है लैम्प्स है, किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, मैरून कलर के लैम्प्स हैं और आई थिंक वर्साशी ब्रांड के हैं, ब्रांड नहीं है मीन्स रेप्लिका ही है, जो कि पाकिस्तान में हर जगह मिल रहा है। एंड वही चीज़ मैंने जुबैदास पे 45,000 की देखी थी, और मैंने यहाँ से आई थिंक 12,000 रुपये के लिए। तो फर्क देख ले आप, के चाइना मार्केट में आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है और आपको बहुत अच्छी चीज मिलती है। तो खैर एक अदद ये रनर लिया है, एंड तक वीडियो देखिएगा, एंड में मैं आप लोगों को इन सारी चीजों की लुक दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से रखा है। अच्छा एक तो मैंने ये ले लिया, उसके बाद जो एक शॉप थी वहां से मैंने, मेरी बस नजर ठहर गई थी, मुझे था यहां पर मैंने जो है ना एक चीज में नजर ठहरी थी, और वो है ये। ठीक है, अब आप मुझे कहेंगे बाथरूम सेट है, आपको इसमें क्या चीज इतनी अपीलिंग लगी है। सबसे पहले तो इसका प्रिंट आप देखिए कितना प्यारा, इट इज ब्लू ब्लू नेवी ब्लू, जैसे मेरे कपड़ों का कलर है ना वही कलर है, डार्क ब्लू ग्रीन, उसमें थोड़ा थोड़ा रेड एंड व्हाइट कलर। ठीक है, जो सबसे अपीलिंग लगा था एक तो इसका प्रिंट, दूसरा इसका ये सोप वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों लिया है। अब पहले वीडियो पॉज करें और आप मुझे बताएं कि ये मैंने किस जगह के लिए लिया होगा। हाँ जी, तो जवाब लिख दिए होंगे आप लोगों ने नीचे, तो मैं आप लोगों को बताऊं, नहीं जी मैंने अपने वॉशरूम के लिए बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि पहले तो मेरे वॉशरूम में ना वो प्रॉपर स्लैब वाली जगह नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें जितनी बहुत नाजुक होती है और आप इसको अगर सामने वो शीशे के साथ रखें तो गिर के टूट जाती है, और अगर आप अपना वॉशरूम खुद नहीं धो रहे, कोई और धो रहा है, तो वो तो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, तो खड़ा खड़ा खड़ सामान समेटते रहते हैं और फेंकते रहते हैं। ये मैंने लिया है फॉर माय ड्रेसिंग टेबल। हाँ जी, अब आप कहेंगे कि ड्रेसिंग टेबल के लिए मैंने ये क्यों लिया है। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों लिया। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसी जगह पे यूज करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कहाँ यूज करूंगी।
एक सेकेंड इसको खोल लेते हैं। हाँ जी, तो ये मैं आप लोग खोल के बताऊं, ये जो चीज है ना, ये प्लेट, पहली बात तो ये कि हमारे पाकिस्तानी कोई भी साबुन इतना छोटा सा पिद्दा नहीं है जिसमें आएगा, और दूसरी बात ये कि मैं अपने वॉशरूम में साबुन रखती ही नहीं हूँ, मैं हैंड वॉश यूज करती हूँ, बॉडी वॉश यूज करती हूँ। मेरे साथ मुझे साबुन का वो गंध नहीं पसंद जो कि हर जगह मचाता रहता है, तो मैंने तो साबुन शायद पता नहीं कितने सालों से नहीं खरीदा। आई वॉज थिंकिंग, मैं इस चीज के लिए पागल हो गई थी कि मैंने ये जरूर लेना है, मुझे था कि इसको मैं अपने साइड टेबल पे रखूंगी, जो मैं रात को ज्वेलरी पहनी होती है तो वो उतार के, आपने जैसे देखिए मैं बताती हूँ, जैसे मैंने ये रिंग्स हैं उतारी और इसमें इसके ऊपर रख दी, ठीक है। तो ये एक बहुत डिसेंट से, और क्यों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी बेडरूम के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली, मेरा बेडरूम जो है वो ग्रीन एंड ब्लू इस तरह के कॉम्बिनेशन में, सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये वाला जो है ना अपने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली अपने बेडरूम में अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखूंगी। अब मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज मैंने करनी, पहले मैं अपनी रिंग पहन लूँ, सॉरी। ये इसके अंदर हैंड वॉश वो है, वैसे हैंड वॉश कर, लेकिन आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसके अंदर जो है ना अपना लोशन डाल दूंगी, अपना जो इतना लोशन होता है वो डाल के, तो मैं इसके अंदर अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख दूंगी, तो वो जो होता है लोशन वो हम इससे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि इस पे जरूरी नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कोई चीज जिस पर्पस के लिए यूज हो आप उसी पर्पस के लिए यूज करें। आप अब इसका कॉम्बिनेशन आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बताती हूँ कि मैं क्यों यूज कर रही हूँ, ये यूज होता है फॉर ब्रश एंड टूथपेस्ट, लेकिन आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसमें अपने सारे मेकअप ब्रशेस रखूंगी, ठीक है ना, मेकअप ब्रशेस सारे इसमें रखूंगी। और दूसरा, या इसके मेकअप ब्रशेस ज्यादा बेहतर लगेंगे क्योंकि ये पतले आ जाएंगे, इधर मोटे वाले आ जाएंगे। ये है ग्लास, ठीक है, ये ग्लास के तौर पे यूज होता है, जब आप वॉशरूम में दांत ब्रश करते हैं तो इसमें पानी डाल के पीते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम कुल्ली करते हैं, डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं पानी, हमारे टखटलियां नहीं है अंग्रेजों वाली, हम सादे से लोग हैं भाई। तो उसमें मैंने करना क्या है कि मैंने इसके अंदर अपनी पेंसिल्स, या इसके अंदर अपनी सारी पेंसिल्स रख लेनी है, और इसके अंदर जो है ना मैंने अपने सारे ब्रशेस रख लेना। ये मैं जब सेट करूंगी ना अपना ड्रेसिंग टेबल, तो मैं आप लोगों को ये जरूर दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये मुझे, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो जो चीजें एक ही शॉप से खरीदी हैं, तो ये सारी चीजों के मैंने उनको कितने पैसे दिए और मैंने कितनी बार गेन किए, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है। और ड्रेसिंग टेबल ये है कि उसको जब डस्टिंग करनी होती है तो मैं अपने सामने करवाती हूँ, तो वो निकाल के तो अपने साइड पे रखा और अपने डस्टिंग करी। सो दिस इज द सेट आई बॉट। सारी चीजें दिखा लेने के बाद मैं बताऊंगी कि मेरा बिल कितना बना था और पेमेंट कितनी की थी मैंने। सो ये है एक अदद प्रॉपर मेरा पूरा सेट, और इंशाल्लाह ताला इसको मैं बहुत खूबसूरत सजाने वाली हूँ ऑन माई ड्रेसिंग टेबल। अच्छा, इसको ले लेने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ ये। यस, अब आप कहेंगे क्या चीज़, कौन सी किताबें हैं जो मैंने लेकर आ गई हूँ। जी, मैं इधर से दिखा दूँ। हाँ जी, ये शनैल की बुक्स हैं, बट ये बुक्स नहीं है, ये डेकोरेशन पीसेस हैं। आप इनको मोस्टली अपने कमरे में या अपने लाउंज में डेकोर करते हैं, और ये पहले तो इस तरह की बुक्स होती थी, लेकिन बुक्स अब क्योंकि वो बहुत नापैद हैं और नहीं मिलती हैं, तो उन्होंने क्या किया, कंपनीज ने इस तरह के जो है ना ये बॉक्सेस हैं, आप इसमें कुछ थे जो कि ओपन होते थे, मुझे ओपन वाले चाहिए नहीं है क्योंकि मुझे तो कुछ चीज़ स्टोर नहीं करनी उसके अंदर, तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये शनैल के प्रिंट बना हुआ है, इसमें बहुत डियोर था, काउच था, पता नहीं कौन कौन सी जो ब्रांड्स थी ना, फेंडी, इन सब की जो है ना इस तरह की बुक्स हैं। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन, मुझे कलरफुल नहीं चाहिए था, मैंने ये दो ब्लैक एंड व्हाइट लिए, क्योंकि मोस्टली आपको पता है शनैल ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ही ज्यादातर है, तो मुझे था कि ये मैं लेती हूँ और फिर आई विल इंशाल्लाह डेकोरेट, जैसे ही मैं जो अभी फिलहाल जो डेकोरेशन की है वो आप एंड में जरूर देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ एंड में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किस तरह से डेकोर किया है, तो वो आपको जो है ना बड़े आराम से जो है वो क्लियर भी हो जाएगा किस पर्पस के लिए लिया। तो ये दो अदद मैंने बुक्स खरीदी हैं, और ये भी मैंने उसी शॉप से खरीदी हैं जिससे मैंने और चीजें ली हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो एक अदद मैंने फाउंटेन लिया है, और वो उसकी वीडियो मैं छोटी सी अलग बना के तो नीचे डाल दूँ, कि वो मैंने कहते हैं ना इतनी जल्दी थी, उसमें पानी भी डाल दिया, उसको लगा के सेट करके लाइटें ऑन करके, एंड आई वाज सो हैप्पी, कल रात से ही मैंने उसको ऑन किया था, तो मुझे था कि चलो मैं उसको उठा के लेकर आऊंगी, उसमें पानी है तो वो जो है वो खराब करेगा, तो इससे बेहतर है कि वो वहीं हो, तो मैं वहीं पर आपको एंड वीडियो वहीं पर कर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर नजर आ सके। हाँ जी, एक जो है मैंने लाइट खरीदी है, जो फेरी लाइट्स होती हैं वो मैंने लगा दी है, वो भी अगर हुआ तो मैं आप लोगों से उसकी क्लिप शेयर कर दूंगी। और एक मैंने, एक सेकंड, मैं जरूर वो नीचे गिर गया, मैं उठा के लेकर आती हूँ।
हाँ जी, तो ये मैंने की चेन लिया है, ये गिर गया था नीचे। मुझे अपने जो है ना घर के गाड़ियों की चाबियों के लिए, वैसे तो मेरे एंट्रेंस पे ही ना वो पड़ी हुई बकेट, उसके अंदर डाल देते हैं मेरे हस्बैंड वगैरह, लेकिन समटाइम्स वो उठा के चले आते हैं, तो मुझे था कि चलो इसके अंदर जो है ना मैं ये चाबियां लटका दूंगी। तो ये वाला एक अदद मैंने लिया है, मेटेलिक है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, एक अदद मैंने ये लिया है। और हाथ के हाथ मैं आप लोगों को अभी जो है ना दिखाती हूँ अपना लाउंज में, कि मैंने किस तरह से वो फाउंटेन है और वो किस तरह से डेकोर किया है, और अपनी वीडियो करते हैं हम एंड। हाँ जी, तो ये फाउंटेन मैं जो हूँ लेकर आई हूँ, और अभी मैं आप लोगों को टोटल भी बता दूंगी कि कितने हो, क्योंकि उस वक्त मैं बता नहीं पाई। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है इसका, इट इज़ बहुत प्यारा सा ग्रे ब्लू और मरून कलर का इसमें कॉम्बिनेशन है, शेर बना हुआ है इसके ऊपर, और पानी जो है ना ये आवाज़ आप लोगों को आई होप आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें से पानी की आवाज़ जो है ना वो नहीं आती। दूसरा आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट लगी हुई है, तो ये अंधेरा जब होता है ना मेरे घर में तो ये बहुत ही खूबसूरत, रात को तो बहुत अंधेरे वाले लुक भी दिखा दूंगी। तो ये एक अदद जो है वो मैंने लिया है, दूर से भी दिखा दूँ थोड़ी सी इसकी लुक, के ये मैंने रखा हुआ है इस लैम्प के साथ, अपने इस कॉर्नर को डेकोर किया हुआ है, तो ये बहुत प्यारा लगा। और ये जो है ना मुल्तान के सारे हैं, ये गिफ्ट्स आए हैं मेरे लिए। तो ये था मेरा आज का। अच्छा हाँ जी, हाँ बताऊँ, टोटल मेरे जो पैसे बन रहे थे ना, दैट वॉज 6,500 रुपीज़, ठीक है। इसका वो की चेन का, और साथ में जो है वो बुक्स और वॉशरूम सेट जो था ये सा, और हाँ एक अदद मैंने जो है ना फेरी लाइट भी ली है। तो इन सारे के जो पैसे बन रहे थे वो तकरीबन कोई 6,500 रुपये बन रहे थे। ये सबसे एक्सपेंसिव था, इसकी प्राइस आई थिंक 3,000 रुपये थी या 3,200 रुपये थी, ये मैंने बहुत कम कराया था, टोटल बस मैंने कम करवा लिया था। और जो दूसरा वॉशरूम सेट है वो उसने मुझे 15 बोला था और मैंने शायद उसको 1,100-1,200 रुपये का लिया था। खैर ये सारी चीज़ें, बुक्स जो थी उस पर भी कम कराया, इस पर भी कम कराया, और मैंने क्या लिया था, फाउंटेन था और बुक्स थी और कीचेन वाला था और मेरा वॉशरूम सेट था, एक और क्या चीज़ थी मैं भूल गई हूँ, रनर मैंने किसी और शॉप से लिया था। तो ये 6,500 बन रहे थे और उनको मैंने कम करा के 5,000 कर दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।